आज हम जा रहे हैं होनेट वाटरफॉल देखने। होनेट वाटरफॉल का रूट है केसकाल से 3 किलोमीटर की दूरी पे बटराली है जगदलपुर रोड पे NH30 पे, और बटराली से 13 किलोमीटर दूर होनेट वाटरफॉल है। होनेट वाटरफॉल के लिए बटराली से TMGSY का एक रोड है जो जंगलों और पहाड़ों के बीच से होते हुए बिल्कुल सुंदर रास्ता बिजनेस रोड है बटराली के। आइए चले हम आज होनेट वाटरफॉल उसको देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके तहत बना हुआ है, जगह जगह उसका बोर्ड लगा हुआ है ना, PMGSY अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये योजना का क्रियान्वयन हुआ था, उस समय स्टार्ट किया गया और गांव की जो कनेक्टिविटी है उसे प्रदान की गई। गांव में जो है डामरिक की रोड बनाने का जो है लक्ष्य दिया गया और लगभग सभी गाँव को कनेक्ट किया गया मेन रोड से। तो अब हम होनेट जलप्रपात के लिए जा रहे हैं। ये आप होनेट विलेज आएंगे, गाँव आएंगे, गाँव का नाम है होनेट। तो एक ग्रामीण यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है गाँव है, मेरे ख्याल से सप्ताह में एक दिन जो है मेला वेला भी लगता है, नहीं ऐसा दिख रहा है। ये है आपका गांव और थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है ना, इसी रास्ता है, बट इंजॉय आप लाइफ को इंजॉय कर सकते हो। यहाँ भी ग्रामीण व्यवस्था में यहाँ पे जो है वो लगा है बैरियर, यहाँ पे हमें टोल टैक्स देना होगा। तो हम पहुँचे हैं होनेट विलेज, ये यहाँ पे बैरियर लगा है और यहाँ के लोग जो दे रहे हैं पैसा। वो अभी वहाँ पर हम लोग रुके थे, बैरियर लगा रखा है पंचायत ने, अच्छा है। वो 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वो वसूलते हैं और वो पैसा को वो लोग विकास में डेवलपमेंट में यूज करते हैं। वाटरफॉल प्राकृतिक का वरदान, सौंदर्य से भरा, खूबसूरती से भरा बिल्कुल छत्तीसगढ़। ये होनेट वाटरफॉल का ऊपरी भाग है, ऊपर से हम जाते हैं और यहाँ से हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं अभी। पहाड़ों के बीच बिल्कुल चप्पल पहन के आए हैं, चप्पल को खोल देने में भलाई है ना, क्यों है ना, क्योंकि आओ आओ ये ऊपरी पार्ट वाटरफॉल का। ये नाला है, अभी पानी भी अच्छा खासा आ रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ देखने में। ये डाउन एरिया यहाँ से डाउन थोड़ा, और ये वाटरफॉल। तो यहाँ पर पूरा वाटरफॉल इसलिए है कि ये भौगोलिक स्थिति से आप डाउन एरिया, हम केसकाल जो है ऊपर पार्ट में। आप यहाँ आओ ना आओ, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ वाटरफॉल, आपको विजिट करवा रहा हूँ।
ये वाटरफॉल का ऊपरी पार्ट यहाँ पर अपन है, ये नाला देख के पीछे से आ रहा है और यहाँ पर टाउन एरिया में भी जाएंगे। ये जो है टाउन एरिया में हम लोग जा रहे हैं, ये झरने की झरना मोनहेड वाटरफॉल को देखने के लिए हम लोग डाउन जा रहे हैं। आपको नीचे से नज़ारा दिखाएंगे कैसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है। एक बार आना बनता है, एक बार आना चाहिए आपको यहाँ पे वाटरफॉल। थोड़ी तैयारी से आइएगा, समय दीजिए, यहाँ पे अच्छा लगेगा, एक आध घंटे स्पेंड कीजिए यहाँ पर, आपको मज़ा आएगा यहाँ पर बिल्कुल। क्योंकि ये वादियाँ आपको कहाँ मिलेगा, ये स्वर्ग आपको कहाँ मिलेगा, ये स्वर्ग आपको कहाँ मिलेगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई। खाने पीने की चीज़ें अगर साथ हो तो पिकनिक का मज़ा दोगुना चौगुना हो जाता है। ज़रूर खाने पीने की चीज़ें लाइए, थोड़ा समय स्पेंड कीजिए यहाँ पर, काफ़ी आनंद आएगा। और वाटरफॉल को निहारिए, देखिए, सोचिए इसके बारे में, है ना, क्यों आए हैं आप। बिल्कुल कल कल करती आवाज़ें वाटरफॉल की मन को मुग्ध कर देती है, एक क्रंदन बिल्कुल ऐसा लगता है संगीत बजा रहा है ये। इनकी आवाज़ जो है कानों में जब जाती है तो ऐसा लगता है ये एक संगीत है, बिल्कुल एक लय से जो है धन 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 सन 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 भन 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 की आवाज़, आहा, मन को मुग्ध करने वाली आवाज़ें। थोड़ा सा पहाड़ी एरिया होता है तो उबड़ खाबड़ ज़मीन तो है, बट ओवरऑल गुड, बहुत अच्छा। ये देखिए मोनहेड वाटरफॉल, मज़ा आएगा आपको देखने में, खूबसूरत। मज़ा आ गया, खूबसूरत, आनंद आया ना। ये वाटरफॉल जो है बहुत बढ़िया, रियल गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोगों ने कुछ खाने को नहीं ला के गलती कर दिया, कुछ खाने को लाना था। का नज़ारा वाटरफॉल का खूबसूरत सा है, छत्तीसगढ़ में आपको वाटरफॉल बहुत सारे मिलेंगे। ये हम अभी वाटरफॉल देखने आए हैं, ये है केसकाल, केसकाल से लगभग 16 किलोमीटर पे मोनहेड करके जगह है, मोनहेड वाटर। बढ़िया विहंगम दृश्य, इस वाटरफॉल का जो विहंगम दृश्य है वो देखते बनता है, काफ़ी खूबसूरत। कल कल करती इनकी आवाज़ें करंदल,